स्वागत है आप सबका एलोएफ में। क्या आप जानते हो कि हमारी आंखें 576 मेगापिक्सल की होती है और इसलिए हमको इतना क्लियर दिखाई पड़ता है, लेकिन अगर हम माइक्रोवेव पर बात करें तो हमारी आंखें इतना देख नहीं पाती और इसलिए माइक्रोस्कोप डिजाइन किए जाते हैं। और इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चीजें देखेंगे। नंबर 20, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो इंजेक्शन लगवाने के लिए तो बहुत दर्द होता है, लेकिन जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो उस जगह को माइक्रोस्कोपिक जूम करे ना तो वो जगह कुछ ऐसी दिखती है। नंबर 19, जो व्हाइट चौक होता है ना, जिससे टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिखा करते थे, अगर उस चौक को माइक्रोस्कोप के अंदर जूम करे ना तो वो कुछ ऐसा दिखता है। नंबर 18, आपकी जो जीभ होती है ना, उस पर 2000 से 4000 इतने टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो हमको आंखों से नहीं दिखते, लेकिन माइक्रो लेवल पर उन बर्ड्स को देखे तो वो कुछ ऐसे दिखते है। नंबर 17, समंदर कितना विशाल है ना, लेकिन उसमें से सिर्फ एक बूंद, सिर्फ और सिर्फ एक बूंद को माइक्रोस्कोप में जूम करके देखे तो उस बूंद में इतने सारे ऑर्गेनिजम्स और इतने सारे कंटेंट्स होते हैं। नंबर 16, जो लोग जिम करते हैं और बॉडी बनाते हैं तो उनको पता होगा कि जब मसल्स पर स्ट्रेस आता है तो मसल्स फटते हैं, तो वह मसल्स माइक्रो लेवल पर कुछ ऐसे दिखते हैं। नंबर 15, आपको तो ट्रिमर पता होगा जो बाल काटने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन जब ट्रिमर से बाल काटे जाते हैं तो वे कुछ इस तरह से कटते हैं, और जब ब्लेड से हमारे बालों को काटा जाता है तो उस वक्त हमारे बाल इस तरह से कटते हैं, मतलब यह ब्लेड से काटा बाल और यह ट्रिमर से काटा बाल, यह जनरली हमको पता नहीं होता लेकिन माइक्रो लेवल पर कुछ ऐसा ही होता है। नंबर 14, अभी इस इमेज को जरा ध्यान से देखो, क्या दिखता है आपको इसमें? कुछ लोग कहेंगे कि यह कुछ कांटेदार सा लगता है, असल में यह है इस मक्खी की आंखें। इस मक्खी की आंखों को बहुत ज्यादा जूम करे ना तो वो कुछ ऐसा दिखता है, इसको भी और ज्यादा जूम करे तो वो कुछ ऐसा दिखता है। नंबर 13, आपकी मोलर है ना, अगर हम उसको इलेक्ट्रॉन लेवल पर देखें तो यह ऐसी दिखेगी। अगर आपको यकीन नहीं आता तो ये देखो, ये है आपकी मोलर। अगर इसको जूम करे और भी ज्यादा जूम करे, करते रहे, और एकदम लास्ट स्टेप में यह मोलर बिल्कुल ऐसी दिखती है, और हमारे बोन्स भी अंदर से बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। नंबर 12, आप रोज जिस पेन से लिखते हो, क्या आपने उसके नीब को कभी नोटिस किया है? अगर हम पेन के नीब को जूम करें तो वह कुछ ऐसी दिखेगी, पेन के नीब का बॉल कुछ ऐसा दिखता है। नंबर 11, इस इमेज को जरा ध्यान से देखो, अब आपको क्या लगता है यह? इसे कहते हैं सैंड। अगर हम सैंड को फुली जूम करें तो सैंड कुछ ऐसी दिखती है, यह सैंड छोटे छोटे किचन्स की तरह दिखती है। नंबर 10, सबके घर में चींटियां होती है लेकिन हम उन पर कभी ध्यान नहीं देते। अगर एक पर्टिकुलर क्लास की चींटी को लेकर उसके मुंह पर जूम करे तो वह चींटी का मुंह बिल्कुल ऐसा दिखता है, मानो कोई जायंट सा राक्षस हो। नंबर 9, आपके घर में जो टीवी होता है, पर्टिकुलरली एलसीडी स्क्रीन, तो उसमें छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं, अगर उनको जूम करके देखे तो वह पिक्सल्स कुछ ऐसे दिखते हैं। नंबर 8, एक नीडल और उसके थ्रेड्स का गुत्था अल्ट्रा जूम लेवल पर कुछ ऐसे दिखता है। नंबर 7, आपने हरा पत्ता तो देखा होगा किसी पेड़ का या फिर किसी प्लांट का, उस हरे पत्ते को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखे तो यह ऐसा दिखता है, जिसको हम क्लोरोफिल भी कह सकते हैं। नंबर 6, एक अनयूज्ड रेजर ब्लेड ऐसा होता है, अगर 2-3 बार उसको यूज करे, उस ब्लेड को यूज करे, तो उसके एजेस कुछ ऐसे बनते हैं, और रफली यूज करने पर उस ब्लेड के एजेस ऐसे दिखाई पड़ते हैं। नंबर 5, आपने ह्यूमन टंग के बर्ड्स को तो देख लिया, लेकिन किसी बिल्ली के टंग को माइक्रोस्कोप के अंदर देखे तो उसकी टंग बिल्कुल ऐसी दिखेगी, ऐसा लगता है मानो छोटे छोटे जीभों से एक बड़ी सी जीभ बनी है। नंबर 4, किस इंग्रेडिएंट के बिना हमारा खाना अधूरा सा लगता है? टेबल साल्ट, राइट? अगर हम उस टेबल साल्ट को माइक्रोस्कोप के नीचे जूम करके देखे तो नमक कुछ इस प्रकार से दिखता है। नंबर 3, आपको इंसान की किडनी तो पता होगी जो ऐसी होती है, लेकिन जब किडनी में स्टोन होता है तो वह स्टोन कुछ इस तरह का होता है, लेकिन जब हम इस स्टोन को माइक्रोस्कोप में देखे तो इस स्टोन का सरफेस क्रिस्टल फॉर्म में कुछ ऐसा दिखता है। आपको लगता होगा कि यह कोई कांच का सामान है, लेकिन नहीं, यह किडनी स्टोन की फुली जूम्ड इमेज है। नंबर 2, आपको पता होगा कि यह दुनिया एटम से बनी है, मतलब एटम से मिलकर बनी है, प्रोटॉन्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे एटम्स इतने छोटे होते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मर्यादा भी बहुत छोटी पड़ती है, तो यह है एक हाइड्रोजन एटम। दिस इज द फर्स्ट एवर पिक्चर ऑफ द हाइड्रोजन एटम। नंबर 1, इस इमेज को देखो अब, यह है इंटेल के सेलेरॉन प्रोसेसर का एक छोटा सा टुकड़ा जो कि अल्ट्रा लेवल पर जूम किया है। इसमें जो छोटे छोटे स्क्वेयर्स दिखते हैं उनको ट्रांजिस्टर्स कहा जाता है, और इस छोटे से टुकड़े में लाखों ट्रांजिस्टर्स होंगे। यकीन नहीं आता तो फॉर एग्जाम्पल, इंटेल का जो i7 प्रोसेसर है उसमें 2.16 बिलियन ट्रांजिस्टर्स होते हैं। किसी प्रीमियम फोन में जो स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर दिया जाता है तो उसमें 5.5 बिलियन ट्रांजिस्टर्स होते हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितने छोटे होते।
थे। दिस ट्रांजिस्टर्स आर वेरी स्मॉल। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना मत भूलना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलना। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके उस पास वाली बेल को भी प्रेस करना मत भूलना ताकि नई वीडियो अपलोड होती है आपको तुरंत मिल जाए।